ये कहानी कॉनी नाम की औरत के ऊपर आधारित है जिसका पति जंग में घायल हो जाता है और उसके बाद वो अपनी पत्नी की पर्सनल जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, जिसके बाद उसकी वाइफ अपने नौकर से अपने पर्सनल जरूरतों को पूरा करवाती है। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है लेडीज चटर्जी लवर और ये मूवी 1981 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम घोड़ों की राइडिंग रेस देखते हैं जिसे क्लिफर्ड नाम का आदमी जीत जाता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि क्लिफर्ड इससे पहले भी कई बार इस मैच को जीत चुका है। इसके बाद क्लिफर्ड ये खुशखबरी अपनी वाइफ कोनी को देता है, जिसके बाद क्लिफर्ड इस खुशी में अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखता है। पार्टी के बीच क्लिफर्ड को पता चलता है कि जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में जंग छिड़ चुकी है और ये सुनने के बाद क्लिफर्ड को भी जंग लड़ने के लिए निकलना पड़ता है, लेकिन वहाँ क्लिफर्ड की किस्मत उसे धोखा दे देती है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जिसके बाद क्लिफर्ड का निचला हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो हमेशा व्हीलचेयर पे ही रहता था और अब उसका ख्याल कोनी रखती थी। उस हादसे के बाद क्लिफर्ड अपने वाइफ कोनी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता था। एक दिन क्लिफर्ड अपनी वाइफ से बोलता है कि अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन तुम अभी भी जवान हो, इसलिए तुम मेरी टेंशन मत लो और तुम जिसके साथ चाहो उसके साथ प्यार कर सकती हो और अगर तुम्हारा बच्चा हुआ तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। ये सुनने के बाद कोनी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन वो क्लिफर्ड से बोलती है कि ये कभी नहीं होगा और तभी वहाँ क्लिफर्ड का नौकर ओलिवर आ जाता है, जिसे क्लिफर्ड बोलता है कि मुझे घर ले चलो। क्लिफर्ड को घर छोड़ने के बाद ओलिवर की नजर बस कोनी पे ही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन क्लिफर्ड की हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन अचानक से क्लिफर्ड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कोनी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो डॉक्टर को बुलाती है। तब वहाँ मिस वॉल्टन आती है जो पेशे से एक नर्स थी और अब उसे क्लिफर्ड का इलाज करना था। क्लिफर्ड कोनी से बोलता है कि तुम ओलिवर के पास जाओ और चेक करो कि अंडे कैसे हैं। क्लिफर्ड की बात मान के कोनी ओलिवर के पास जाती है, लेकिन उसके घर के पास पहुँचने से पहले ही उसे बिना कपड़ों के ओलिवर दिख जाता है। उसे बिना कपड़ों में देख के कोनी की सांसें थम जाती है, जिसके वजह से वो उससे बिना मिले वहाँ से अपने घर लौट जाती है और वो क्लिफर्ड से बोलती है कि मुझे ओलिवर नहीं मिला। रात में सोते वक्त कोनी के दिमाग में बस ओलिवर ही घूम रहा था, जिसकी वजह से कोनी पूरी रात ओलिवर के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन क्लिफर्ड कोनी से बोलता है कि आज तुम दोबारा अंडे चेक करने के लिए जाओ, शायद आज तुम्हें ओलिवर मिल जाएगा, जिसके बाद कोनी बिल्कुल वैसा ही करती है और वो ओलिवर के पास जाके उससे बातें करने लगती है, लेकिन ओलिवर जितना हो सके उतना कोनी को इग्नोर करने की कोशिश करता है क्योंकि वो कोनी के इरादे समझ चुका था। ऐसा अक्सर होने की वजह से ओलिवर कोनी को अपने कैबिन की चाबी दे देता है, जिसके वजह से वो जब चाहे अंडों को आके देख सकती है, जिसके बाद कोनी इस बात का फायदा उठाती है और वो अंडे देखने के बहाने ओलिवर को देखने के लिए आती है। ऐसे ही एक दिन कोनी एक चूजे को देखती है और उसे देखने के बाद वो रोने लगती है और पूछे जाने पे वो ओलिवर को बताती है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है और ये सुनने के बाद ओलिवर भी उसे अपने गले से लगा लेता है, जिसके बाद उन दोनों के अंदर का कंगारू जाग जाता है और वो दोनों वहीं पे अपने तन बदन की आग बुझाते हैं। ये सब होने के बाद कोनी अपने घर भाग जाती है और उसे रास्ते में मिस वॉल्टन भी देख लेती है। अब कोनी को ऐसा महसूस होने लगा था कि उससे बहुत बड़ा पाप हुआ है और वो ऐसा करके क्लिफर्ड को धोखा नहीं देना चाहती थी। ये सब होने के बाद कोनी ठान लेती है कि वो ओलिवर से नहीं मिलेगी और इसके बाद वो बिल्कुल वैसा ही करती है, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं ओलिवर भी कोनी से प्यार करने लगा था और उसे देखने के चक्कर में एक दिन वो कोनी के घर के पास आ जाता है, लेकिन उसे कोनी कहीं नहीं दिखाई देती, लेकिन ओलिवर को मिस वॉल्टन देख लेती है। एक दिन ओलिवर को कोनी अपने गार्डन में मिल जाती है, तब ओलिवर उससे पूछता है कि आखिर मेरी गलती क्या है, जिसपे कोनी उससे बोलती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर से जंगल में जाके अपने तन बदन की आग बुझाते हैं। एक दिन ओलिवर कोनी के घर आके क्लिफर्ड से बोलता है कि हमने दो शिकारियों को पकड़ा है, जिसपे क्लिफर्ड उनसे बोलता है कि अब इन दोनों शिकारियों पे केस होगा और वो ओलिवर से बोलता है कि तुम इन दोनों शिकारियों को मारो वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, जिस पर मजबूर होकर ओलिवर उन दोनों शिकारियों को बहुत मारता है। इसके बाद हर बार की तरह कोनी एक बार फिर से ओलिवर से मिलने के लिए जाती है, लेकिन इस बार कोनी उससे बोलती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए, जिस पर ओलिवर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वो उससे बोलता है कि अगर क्लिफर्ड को इसके बारे में पता चला तो क्या होगा और अगर मालिक को इसके बारे में पता चला तो वो तुम्हें भी कभी माफ नहीं करेगा, जिसपे कोनी उससे बोलती है कि मुझे क्लिफर्ड ने ऐसा करने के लिए बोला था कि मैं किसी से भी प्यार कर सकती हूँ और उसके बाद जो बच्चा होगा क्लिफर्ड उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ये सुनने के बाद ओलिवर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कोनी से बोलता है कि तुम एक रात मेरे कैबिन में बिताना। घर पहुँचने में मिस वॉल्टन कोनी को देख लेती है और उसकी हालत देख के उसे पता चल जाता है कि वो ओलिवर के साथ अपना गेम बजवा के आई है। अगले दिन कोनी फिर से ओलिवर के पास जाती है और वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात क्या अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी वाइफ बन के तुम्हारे साथ
रहना चाहती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मुझे क्लिफर्ड की भी देखभाल करनी है। जिस पर ओलिवर उसे समझाता है कि देखो मैं एक नौकर हूँ और ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि एक नौकर का बच्चा एक वारिस बने। घर आते आते कोनी को शाम हो जाती है और उसे आते वक्त क्लिफर्ड देख लेता है, जिसके बाद कोनी उससे जाके पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पर क्लिफर्ड बोलता है कि मैं सनसेट देख रहा था। अब क्लिफर्ड को पता चल चुका था कि कोनी और ओलिवर के बीच में अफेयर चल रहा है, लेकिन वो कोनी से इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता। रात होने के बाद कोनी अपने घर से उठ के अपने घर से ओलिवर के घर चली जाती है। तभी रात को क्लिफर्ड की भी आंख खुल जाती है और वो कोनी को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है, जहाँ पहुँच के वो देखता है कि कोनी अपने कमरे में नहीं है, जिससे वो समझ जाता है कि वो पूरी रात ओलिवर के साथ अपनी रातें बिताती है। सुबह क्लिफर्ड गेट पे ही कोनी का इंतजार कर रहा था और जैसे ही कोनी आती है तो वो उससे पूछता है कि तुझे नौकर के अलावा कोई और नहीं मिला था क्या। ये सब क्लिफर्ड को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो ओलिवर को जॉब से निकाल देता है और कोनी को वेनिस भेज देता है। कुछ दिन बाद कोनी क्लिफर्ड को सरप्राइज देने के लिए उसके पास आती है और वो उसके पास आके उसे बताती है कि मेरे पेट में बच्चा है। तब कोनी को पता चलता है कि क्लिफर्ड ने ओलिवर को निकाल दिया है। ये पता चलते ही कोनी क्लिफर्ड को बहुत सुनाती है और उसके बाद वो ओलिवर से मिलने के लिए जाती है। ओलिवर से मिलते ही वो उससे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और अब मुझे बस तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बन के रहना है और अब मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए क्लिफर्ड को भी छोड़ सकती हूँ। जिस पे ओलिवर उसे बोलता है कि अब तुम्हें तुम्हारा बच्चा और तुम्हारा पति दोनों मिल गया है, अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत है। लेकिन कोनी ओलिवर के पीछे पड़ जाती है। अब ओलिवर भी कोनी से प्यार करने लगा था, इस वजह से वो कोनी की बात मान लेता है। इसके बाद आखिर में वो दोनों साथ रहने लगते हैं और क्लिफर्ड भी उसे भूल जाता है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।